प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय पाठ प्रथम की इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे वो है वैदिक सभ्यता। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज है वैदिक सभ्यता यानी उत्तरी पश्चिमी भारत। ये जो पाठ है ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के भारत में एक नवीन सभ्यता स्थापित हुई। नवीन इसलिए कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के अवशेषों पे आधारित नहीं थी। उन दोनों की विशेषताओं बहुत बड़ा अंतर था। ऐसा लगता है कि ये जो सभ्यता है उसका जो प्रारंभिक पीरियड था सिंधु सभ्यता के बाद का लगभग 1500 वर्ष पूर्व की बात हम कर रहे हैं, ईसा पूर्व की बात, तो वहां से ये सभ्यता क्रमिक विकास की ओर आगे बढ़ती है। यानी एक कबीला जीवन से राज्य स्थापना तक की यात्रा इस सभ्यता के अंतर्गत दिखती है, जिसमें कृषि, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लिए हुए थे। तो ऐसी स्थिति में इसको क्रमिक विकास के रूप में भी देखा जा सकता है। वैदिक सभ्यता, अब इसका नामकरण वैदिक क्यों हुआ? यानी वो सभ्यता जिसमें वैदिक साहित्य में उल्लेखित जिस सभ्यता के बारे में अपने को जानकारी मिलती है वो सारी की सारी क्या है? वैदिक सभ्यता। अब वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य वेद, चार वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांत, ये सारे के सारे जो है ग्रंथ है वो वैदिक साहित्य का भाग। तो इन सारे ग्रंथों में जिस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। दूसरा उसका नाम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य सभ्यता क्योंकि इस सभ्यता के जो पोषक थे, जन्मदाता थे, वो आर्य थे, इसलिए आर्य सभ्यता कहते हैं। लोह युग सभ्यता भी इसको कहा जाता है, जिसे सबसे उत्तर वैदिक सभ्यता थी उसको, क्योंकि उस समय जो धातु थी उस धातु की सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग था वो लोहे का प्रयोग, और लोहे ने मानव जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया। अब है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक तो पूर्व वैदिक सभ्यता और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता। ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो पीरियड है, जहां अभी तक लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, उसको अपन पूर्व वैदिक सभ्यता के बारे में मान सकते हैं, या फिर इसको ऋग्वेदिक सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वो सभ्यता जिसके बारे में ऋग्वेद में ही जानकारी प्राप्त हुई थी। आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में जिस सभ्यता की जानकारी मिलती है वो ऋग्वेदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक सभ्यता कहलाती है। उत्तर वैदिक सभ्यता इसी का ही क्रमिक विकास है, और लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर सूत्र काल के पीरियड यानी 500 ईसा पूर्व का एक मोटा मोटा पीरियड इसमें अपन मान सकते हैं कि वो उत्तर वैदिक सभ्यता का काल रहा है। और इसमें क्या है, ऋग्वेद को छोड़कर जितने भी वैदिक साहित्य के ग्रंथ हैं उसमें जिस सभ्यता का वर्णन है वो सभ्यता कौन सी है? उत्तर वैदिक सभ्यता। जैसे तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद और वेदांत, इनमें जिस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है और उसके अनुरूप ही उसके जो उत्खनन में सामग्री मिली उसको उत्तर वैदिक सभ्यता के रूप में मान सकते हैं। अब ये सभ्यता का जो विस्तार किस तरह का, तो प्रारंभ में ये उत्तर पश्चिम भारत और धीरे धीरे इसका जो प्रभाव है उत्तर वैदिक काल तक आते आते सदा लिया लेना, यानी जो बिहार की कोसी नदी है वहां तक के इसके विस्तार को अपन मान सकते हैं। सारा का सारा भाग था वो वैदिक सभ्यता का पीरियड मान सकते हैं। ऋग्वेदिक काल जो पंजाब तक सीमित था, बाद में इनका विस्तार पूर्व की ओर बढ़ता गया, और इसी वैदिक सभ्यता के सोपानों में धीरे धीरे क्या हुआ है, जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, फिर बड़े राज्यों का उद्भव हुआ, और फिर एकमात्र राज्य मगध का उद्भव हुआ, और बड़े साम्राज्य की जो गाथा थी वो इसी उनसे पनपती है। तो ये है आपकी जो वैदिक सभ्यता है, उस वैदिक सभ्यता की संक्षिप्त जानकारी। दो तरह की है, एक
पूर्व वैदिक उत्तर वैदिक कौन कौन से ग्रंथों में वर्णित है और किस तरह से इसका विस्तार है, ये सारे के सारे हमें आर्य सभ्यता के नाम से जान सकते हैं। और भारतीय जिस भारतीय संस्कृति की अपन बात करते हैं, उस भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो विकास है वो विकास हमें आर्य संस्कृति मानते हैं। और हम सब भारतीय अपने आप गौरव महसूस करते हैं कि हम आर्यों की संतान हैं। तो यही आर्य है और इसी सभ्यता से हमारी भारतीय सभ्यता या सनातन सभ्यता का क्रमिक विकास हमें को दिखाई मिलता है। धन्यवाद।